अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक फोर्सेस गेज। व्यूअर्स, पाकिस्तान एयर फोर्स में सिविलियन इंडक्शन अनाउंस हुई है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में। इससे पहले कि आप वीडियो स्किप करें या एंड पे जाएं, ऐड से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें इसमें बताना चाह रहा हूँ इस जॉब के हवाले से कि ये किस नौयत की जॉब है एयरफोर्स सिविलियन की, और इसकी मुद्दत क्या है या किस तरह के सिविलियन इनको चाहिए, किस एरिया के चाहिए। तो ये बेसिकली आपको मैं ऐड भी इसमें दिखा देता हूँ और कैसे अप्लाई करना है। इस पर ऑनलाइन अप्लाई नहीं होना, इस पर आपने हार्ड पे अप्लाई करना है। अपना CV बनानी है, डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगानी है, टेस्टेड कॉपीज़, तो वो कहाँ पे भेजनी है वो भी मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो इसमें यही हुआ है कि जो लास्ट इंडक्शन आई थी ये उससे थोड़ी सी हट के इंडक्शन है, तो ये कंट्रैक्ट बेस पे है, इस पर आपको परमानेंट नहीं होगा। ये कुछ अरसे के लिए 1, 2, 3, 4, 5 साल जब तक चलती रहेंगी, मतलब 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंडेबल है। तो वो लोग जो एक्सपीरियंस हासिल करना चाह रहे हैं, तो अपनी डिग्री के बाद उनको एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए फ़ायदा है कि उनको एक मिलिट्री फोर्स का जो है ना सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो उनके लिए फ़ायदेमंद है। बाकी इसके लिए एक और शर्त है कि जो इंजीनियरिंग के लिए जिन्होंने अप्लाई करना है, तो उनके पास PNC से जो है ना PEC से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। बाकी इसके हवाले से मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिए हैं और एड्रेस भी मैंने दे दिया है कि आपने कहाँ पर अप्लाई करना है, किस एड्रेस पर आपने एप्लीकेशन भी जाने हैं। तो ये जी है हेडक्वार्टर इस्लामाबाद प्रोजेक्ट बुलारी। ये प्रोजेक्ट बुलारी जो है ये इनकी एक बेस है जो कि हैदराबाद में मौजूद है, वहाँ पे इनको कंट्रैक्ट बेस पे बंदे चाहिए। तो एक हैदराबाद के लिए नहीं, और इसके अलावा भी कहीं इनके जो स्टेशन आगे पीछे हैं वहाँ पे भी इनको चाहिए। तो उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो हैदराबाद में, तो उसके लिए इनको बंदे चाहिए। तो इस पर पहली जो पोस्ट है वो पहली दो जो है वे क्वांटिटी सर्वे और चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर द इंजीनियर। तो इसमें MSc सिविल इंजीनियरिंग 20 साल का तजर्बा होना चाहिए। दूसरी जो है वो DAE सिविल डिप्लोमा इन्होंने मांगा है, उसके लिए भी 10 साल से ज़्यादा का चाहिए। बाकी सिविल इंस्पेक्टर है तो इसके लिए DAE सिविल इन्होंने मांगी है, 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस। और ड्राफ्ट मैन के लिए DAE या सिविल या AutoCAD किया हुआ हो, 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस इनको चाहिए। सैनिटरी वर्कर हैविंग गुड एक्सपीरियंस। तो ये जो लास्ट में जो पोस्ट दिखाई है ये लोकल ही वो रखेंगे, वहीं के जो लोकल के बंदे हैं आसपास के, हैदराबाद के एरिए के, सिंध के, उनको रखेंगे। तो ये पोस्ट ऊपर वाली जो है वो 2 से 3 हो सकती हैं, जो बाकी नीचे वाली सिविल इंस्पेक्टर है ये मेरे ख्याल से 5 से 6 तक हैं, और जो ड्राफ्ट मैन और सैनिटरी वर्कर ये बहुत ज़्यादा हैं। तो इस हवाले से आप उसी हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सैलरी पैकेज और सिंगल अकोमोडेशन आपको मिलेगी बेस के अंदर ही, और ट्रांसपोर्टेशन भी आपको मिलेगी आने जाने के लिए, जो आपको वो पिक एंड ड्रॉप कर लेंगे। बायोडाटा फॉर्म और ये सारी चीज़ें जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इनको अटेस्ट करा के आपने एक CV बना लेनी है, वो आपने 31 मई तक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर आपने भिजवा देनी है। लिंक को आपने कॉपी कर लेना है, उसको नोट कर लेना है, उस पर आप भिजवा दें 31 मई से पहले पहले, तो इंशाल्लाह जो है ना वहाँ तक पहुँच जाएगी तो आपकी अप्लाई हो जाएगा। बाकी इस पर ऑनलाइन अप्लाई कोई नहीं है, कोई TA/DA नहीं दिया जाएगा, टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद इनकी फ़ाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये पूरी ऐड समझ आ गई होगी। बाकी अगर नए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबाइए, इस तरह की जैसी भी जॉब्स आती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी इसके टेस्ट के हवाले से कब होने हैं उस पर भी मैं आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म करता रहूँगा कि इनके टेस्ट कब होने हैं और कहाँ से सेंटर कौन कौन से होने हैं, कहाँ कहाँ सिलेबस आना है, ये भी इंशाल्लाह मैं इस पोस्ट के हवाले से ज़रूर बताऊँगा क्योंकि मैंने भी इस पर अप्लाई करना है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।